हेलो बच्चों, बेटा कल हमने स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन ई वी एंड आर, वेयर वी इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड आर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। और हमें आंसर मिला था वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, दैट इज़ वी जो होगा वो ई से लेस होगा। और इसको नाम दिया था हमने डिस्चार्जिंग का। जब भी कभी सर्किट में कुछ इस तरह से करंट होगा तो इसको डिस्चार्जिंग का हम नाम देंगे। और यहाँ रिलेशन में V इज इक्वल टू E माइनस आई आर एंड V इज लेस देन E। सेकेंड पॉइंट था कि क्या V E के बराबर हो सकता है, तो आंसर था यस। जब कभी भी सर्किट ओपन होगा उस केस में करंट जीरो होगा बेटा, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल। थर्ड था कि क्या V E से ज़्यादा हो सकता है, तो आंसर यस ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल। और चार्जिंग केस में डायग्राम कुछ इस तरह से था कि जब कभी सेल के पॉजिटिव पे करंट आ रहा है, इट मीन्स हमने कोई बड़ी बैटरी लगा रखी है जिसका वोल्टेज इससे ज़्यादा है और वो इसको करंट सप्लाई कर रही है, तो इसको चार्जिंग का नाम दिया था। और यहाँ से वी जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किसके, ई से। तो ये तीन केसेस हमने डिस्कस किए थे। एंड नाउ वी हैव ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो बेटा हमारे पास दो सेल्स हैं, एक बार हमने सीरीज में लिया और एक बार हमने पैरेलल में लिया, और हमें इफेक्टिव ईएमएफ और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और ये हम यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर कॉन्सेप्ट। तो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल जो रिजल्ट्स आएंगे बेटा वो याद रखने हैं, जिसको हम आगे अपने एनटीएससी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करते हैं। तो केस फर्स्ट, दैट इज टू सेल्स इन सीरीज। So we consider two cells having EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in series, and V1 and V2 are the terminal potential differences across cell first and second. So V net will be equal to V1 plus V2 as V equal to E minus IR. So V1 is E1 minus IR1 and V2 is E2 minus IR2. As the cells are connected in series, so current remains same. That is why we use here symbol I instead of I1 and I2. So put the value of V1 and V2 into equation first. We get V equal to E1 minus IR1, that is V1, plus E2 minus IR2, that is V2. And now we can write E1 and E2 together. यहां से बच्चों हमने E1 E2 को साथ साथ लिखा और इन दोनों में से I कॉमन लेके लिखा R1 plus R2. तो यहां से हमें आंसर मिलता है V equal to E1 plus E2 minus I into R1 plus R2. और बच्चों अब इसको यदि हम कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन V इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस में I इंटू आर इक्वलेंट, इसको हमने एक जनरल इक्वेशन मान लिया, एंड दिस इक्वेशन इज यूज वेन एवर वी हैव मोर देन वन सेल्स, वन से ज़्यादा सेल्स हैं, 2, 3, 4, 5 हों, तो उस केस में इफेक्टिव EMF और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें आंसर मिला E इक्वलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो बेटा जब भी आपको सीरीज में दो सेल्स दे रखे हैं तो उस केस में हम जो नेट EMF लिखेंगे वो E1 प्लस E2 लिखेंगे। अब जरा सोच के देखें, सेल दो की जगह बच्चों यदि सेल तीन होते तो क्या होता हमारे पास। सपोज मैं आपको डायग्राम देता हूं कुछ इस तरह से, ये हमें डायग्राम दे दिया 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट है सपोज। तो बेटा हम इन डायग्राम में इन चारों सेल्स को रिप्लेस एक सिंगल सेल से कर सकते हैं, 4 + 3 = 7 + 2 = 9 + 2 = 11, और इसकी जो नेट इफेक्टिव ईएमएफ होगी इसको न्यूमेरिकल्स में हम 11 वोल्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि हम किसी भी एक को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, दो को इंटरचेंज कर दें तो क्या होगा, इनकी पोलरिटी को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, तो वो भी जरा बात करते हैं हम। तो बेटा ये हमारा रिजल्ट आ गया। इसी के बिहाफ पे हम बोलेंगे यदि n सेल सीरीज में हैं तो नेट EMF होगी E1 plus E2 plus E3 and so on।
और रेजिस्टेंस होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन. नाउ इफ द पोलैरिटी ऑफ एनी वन ऑफ द सेल बी रिवर्स्ड, बच्चों यदि हम किसी भी एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, मे बी ई वन को या ई टू को, जैसे मैंने ई टू को रिवर्स कर दिया, तो बच्चों प्रीवियस इक्वेशन जो अभी लिखी थी हमने वी वन की, वो क्या थी? ई वन माइनस आई आर वन. वी टू की क्या थी बेटा? ई टू माइनस आई आर टू थी, लेकिन मैंने इस ई टू के आगे माइनस साइन लगा दिया क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स कर दी, इंटरचेंज कर दिया. और अब उसी वी वन वी टू को वहीं पर पुट करें हम इफेक्टिव टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में और सोल्व करते हैं यहाँ से, वही हमने इन दोनों में से आई कॉमन लिया, तो हमें आंसर मिलेगा ई इक्वलेंट जो एम एफ होगी दैट इज ई वन माइनस ई टू, और जो आर इक्वलेंट आएगा बेटा यहाँ से दैट इज आर वन प्लस आर टू. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि यदि हम दो सेल में से किसी एक सेल की पोलैरिटी को इंटरचेंज कर देते हैं तो उस केस में जो इफेक्टिव एम एफ होगी वो ई वन माइनस ई टू होगी. ये ई टू माइनस ई वन भी हो सकती है, डिपेंड करता है किसकी ई एम एफ कम है और किसकी ई एम एफ ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही केस में रेजिस्टेंस का जो रिजल्ट है बच्चों वो सेम रहेगा. जैसे मैं आपसे कहता हूँ बेटा कि हमारे पास ये सर्किट है कुछ इस तरह से, दे दिया हमें डायग्राम, दो सेल्स दे रखे हैं, सपोज करो 5 वोल्ट है एंड दिस इज ऑल्सो 5 वोल्ट, और इनका अपना कुछ रेजिस्टेंस मान लिया हमने 1 ओम एंड 1 ओम सपोज. तो आपसे कहा जाए कि यहाँ पर इफेक्टिव एम एफ क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों सीरीज के अंदर है, तो यहाँ हम बोलेंगे क्या, इफेक्टिव एम एफ इज ई वन प्लस ई टू. लेकिन यदि हम इसी क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं कुछ ऐसे, इस तरह से, अब नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पहले केस में करंट जो है वो ऐसे चल रहा था, अब क्या होगा, अब करंट यहां से चलेगा या यहां से चलेगा, तो आंसर है जिसकी ईएमएफ ज्यादा होगी. अब दोनों की ईएमएफ क्या बेटा, बराबर है, तो यहां पर इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ऐसे सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो. लेकिन इसको मैंने 10 वोल्ट बोल दिया, इसको मैंने 5 वोल्ट बोल दिया, अब क्या होगा बच्चों, तो इसकी ईएमएफ ज्यादा है इसकी कम, तो यहां जो E इक्वलेंट होगा दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 वोल्ट. तो करंट कहां से चलेगा बच्चों, यहां से चलेगा, तो इसका मतलब ऊपर वाले सेल से करंट आ रहा है नीचे वाले में जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे वाला सेल क्या हो रहा है, अभी मैंने बताया था आपको ये चार्जिंग हो रहा है, और ये सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो ये हो रहा है डिस्चार्जिंग और ये हो रहा है बच्चों चार्जिंग. अब आप सोचें डिस्चार्जिंग में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, तो आंसर है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और चार्जिंग में V इज इक्वल टू E प्लस आई आर. तो ये आपको याद रखना है कि यदि हमारे पास ऑर्डर सेम है तो सारे जुड़ जाएंगे, और ऑर्डर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब जैसे इसके अंदर देखें, 1, 2, 3 मैंने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, मतलब इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दिया इस तरह से कुछ, अब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो बेटा ये तीन सेल्स जो हैं ये सेम ऑर्डर में है, तीनों को जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 9, और 9 वोल्ट में से 2 वोल्ट को माइनस कर दो, आंसर इज 7 वोल्ट. तो इस सर्किट की जो इफेक्टिव ईएमएफ होगी दैट इज 7 वोल्ट. तो ये हमारे कहलाता है टू सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन. सिमिलरली टू सेल्स इन पैरेलल, यदि हम दो सेल्स को पैरेलल में लेते हैं तो जो कुछ इस तरह से है, सो वी कंसिडर टू सेल्स हैविंग ई एम एफ ई वन एंड ई टू एंड इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर वन एंड आर टू विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो नेट करंट यहाँ आई है जो इस पॉइंट पे आई वन है और इस पॉइंट पे आई टू है, यहाँ से आई वन आया बेटा, यहाँ से आई टू आया, तो इसमें नेट करंट कितना चला, आई. तो इसका मतलब दोनों पैरेलल में हैं, इस बार करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव जो टर्मिनल्स एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं, सो वी कैन से द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. तो इस बार बच्चों हम नेट करंट निकालेंगे आई, विच इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू. अब जो रिलेशन है बेटा हमारी वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस रिलेशन से आई बताओ क्या आएगा जरा, तो आंसर है इस आई आर को उधर ले गए और वी को इधर ले आए हम, तो जब आई आर उधर जाके वी इधर आएगा तो आई आर बराबर आ जाएगा ई माइनस वी के, और यहाँ से आर को नीचे ले आए तो आई की जो वैल्यू आएगी
वो आ जाएगी e माइनस वी बाय आर। तो I1 क्या आएगा, e1 माइनस वी अपॉन आर वन, और I2 क्या आएगा बेटा, e2 माइनस वी अपॉन आर टू। और अब इस I1 I2 को उठा के रख दें हम फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हमें आंसर कुछ ऐसे मिल जाएगा, I इक्वल टू e1 माइनस वी बाय आर वन प्लस e2 माइनस वी बाय आर टू। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, e1 by r1 minus v by r1 plus e2 by r2 minus v by r2, और इन दोनों को साथ साथ लिख दें बेटा, और इन दोनों को साथ साथ लिख दें। तो यहाँ से e1 upon r1 plus e2 upon r2 minus v कॉमन ले ले दोनों में से, अंदर क्या बचा 1 by r1 plus 1 by r2, और जब LCM लेंगे हम तो ये बन जाएगा e1 r2 plus e2 r1 upon r1 r2 minus v into आर वन प्लस आर टू अपॉन में आर वन आर टू। तो ये हमारी आ गई फाइनल इक्वेशन करंट की। बच्चों क्या हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर सकते हैं, जरा देखें, जैसे पहले केस में हमने क्या किया था बेटा, पहले केस में ये हमारी रिलेशन आ गई थी और इसको हमने डायरेक्ट इससे कंपेयर कर लिया था। क्यों कंपेयर किया, क्योंकि वी वी ई वन प्लस ई टू ई, आई की जगह आई और आर की जगह ये आ गया, लेकिन इस बार लेफ्ट में क्या है बेटा आई है, और यहाँ लेफ्ट में क्या है V, यहाँ पर इस V के साथ क्या है I, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 के साथ क्या है बेटा V, यहाँ R के साथ क्या I, इसका मतलब अभी फ़िलहाल हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। तो हमें इस रिलेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यदि इस रिलेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें इस V को फ्री करना होगा, और उसके लिए इस पूरे फैक्टर को ले गए लेफ्ट में और यहाँ से I को ले आए राइट में, तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, v वाली टर्म को लेफ्ट में ले आए और i को उधर ले गए, तो i उधर जाके माइनस आई, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये टर्म ऊपर आ जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें हम टर्म्स को, तो हमें आंसर जो है मिलता है कुछ इस फॉर्म में मिलता है। और अब हम कंपेयर करें इस रिलेशन से, तो अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा बेटा इक्वलेंट ईएमएफ का, वो आ जाएगा ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन में आर वन प्लस आर टू, और आर इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों इस बार, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो इस बार इफेक्टिव ईएमएफ जो हमारी वो ये होगी और रेजिस्टेंस ये होगा, और यदि दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो इनका रेशो कुछ इस तरह से आता है। तो ये आपको याद रखना है, ये हम यूज़ करेंगे फिर से ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन में आर वन प्लस आर टू, एंड आर इक्वलेंट इज आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। अब जरा सोच के देखें बेटा कि दोनों सेल्स जो पैरेलल में हैं दोनों की ईएमएफ हमने सेम मान ली और दोनों के रेजिस्टेंस को भी सेम मान लिया, तो बताओ इफेक्टिव ईएमएफ उस कम्बिनेशन की, उस सर्किट की क्या होगी। सो ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन दोनों को ई आर रखा और नीचे आर वन प्लस आर टू को भी आर आर रखा, तो यहाँ से टू ई आर अपॉन टू आर दैट इज इक्वल टू ई, तो उस केस में इफेक्टिव ईएमएफ जो होगी वो ई के बराबर होगी। अच्छा 10 सेल होते तो क्या आता, 10 ई आर अपॉन में 10 आर ई के बराबर, 50 सेल्स होते तो क्या आता बेटा, 50 ई आर अपॉन 50 आर दैट इज ई के बराबर। तो इसका मतलब यदि सारे के सारे पैरेलल में हैं, सभी की ईएमएफ सेम है, तो इफेक्टिव ईएमएफ जो होगी वो बराबर किसके आएगी, एक सेल की ईएमएफ के बराबर आ जाएगी। और आर इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों, आर आर अपॉन आर प्लस आर, आर स्क्वायर बाय टू आर दैट इज इक्वल टू आर बाय टू। तो ये हमें रिजल्ट्स मिलता है सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन में।